तो चलिए अब हम इस वीडियो में सीखते हैं कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सीडी या डीवीडी राइटर को कैसे डिसेबल करते हैं, यानी कि उसका एक्सेस कैसे डिसेबल करते हैं या कैसे रोकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब कभी आप अपने सीडी या डीवीडी राइटर में सीडी इंसर्ट करेंगे तो वो रन नहीं होगी और आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड रहेगा बाहरी डेटा से, और जब चाहे आप उसको अनेबल भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर का उपयोग भी कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी राइटर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट मेनू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि अभी मेरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है डीवीडी राइटर ड्राइव ई, ये मेरा डीवीडी राइटर है जो कि आप देख सकते हैं अभी ये ओपन हो गया है, और इसका मतलब ये अभी अनेबल है। तो अगर मुझे इसे डिसेबल करना होगा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए अब सीख लेते हैं। तो फिलहाल मैं विंडो क्लोज करूंगा और सीडी या डीवीडी राइटर को डिसेबल करने के लिए स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें और यह कंप्यूटर जो है इस पर राइट क्लिक करें, अब मैनेज पर क्लिक करें। तो आपके सामने ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आ जाएगा, इसमें डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करें। यहाँ पे ये फोर्थ नंबर में डीवीडी या सीडी रोम ड्राइव से इसमें इसके पास ये जो एरो है इस पर क्लिक करें, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो डिवाइस है, एक तो मेरा यूएसबी कार्ड है और सेकंड है डीवीडी राइटर, यानी कि ये डीवीडी ड्राइव है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको डिसेबल करने के लिए डिसेबल पर क्लिक कर दूंगा और यस कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो जो डीवीडी राइटर यहाँ पे शो हो रहा था वो डिसेबल हो गया, हाइड हो गया, यानी कि उसका एसएस प्रोहिबिटेड हो गया। तो इस प्रकार आप अपने सीडी या डीवीडी राइटर को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको वापस डीवीडी का उपयोग करना है और आप इसे अनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए पुनः डिवाइस मैनेजर में जाएं और वापस आपको सीडी या डीवीडी ड्राइव्स के ये जो एरो है, डाउन एरो है, इस पर क्लिक करना है और ये जो डीवीडी राइटर का ड्राइवर है इस पर राइट क्लिक करें और अनेबल कर दें। तो आप देखेंगे ये वापस अनेबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये अनेबल हो गया और मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा डीवीडी राइटर ओपन हो जाएगा और मैं कैंसिल पर क्लिक कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें और हमारी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।